हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे, आपकी सबसे पसंदीदा वेबसाइट स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ धनबाद के बारे में। भुई फोड़ मंदिर, जिसे भुई फोड़ मंदिर भी कहा जाता है, झारखंड के धनबाद में स्थित है। मंदिर शिव को समर्पित है। यहाँ शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये शिवलिंग स्वयं अवतरित हुई थी। मंदिर का नाम भुईघोर या भुईहाफ हो जाता है, क्योंकि यह शिवलिंग भूमि के बाहर निकल आती है। हमेशा की तरह नदी शिवलिंग का सामना कर रही है। गंगा मंदिर में हनुमान, राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति भी है। छोटे और खूबसूरत तीर्थ में देवी दुर्गा देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति भी है। देवी दुर्गा की मूर्ति एक स्वर्ण मुकुट और जुल्फ चट के साथ है। मंदिर परिसर में गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और कार्तिक की भी मूर्ति हैं। सभी मूर्ति संगमरमर के बने हैं। मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से दो शिवरात्रि और नवरात्र ही हैं। मंदिर में विवाह भी किया जाता है। लिलोरी मंदिर कोयलाचल धनबाद के कतरास के 800 वर्ष पुराने माँ लिलोरी मंदिर में दर्शन के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस देवी मंदिर में कई रहस्य और इतिहास छुपे हैं। बताया जाता है कि 800 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश के रीवा के राज घराने के वंशज से ताल्लुक रखने वाले कतरासगढ़ के राजा सुजन सिंह ने कतरास के इस जंगल में माता की प्रतिमा स्थापित की थी। पुजारी काजल प्रमाणिक कहते हैं कि तब से लेकर आज तक पहली पूजा यहाँ के राज परिवार के सदस्य ही करते हैं। प्रतिदिन यहाँ पशु बलि चढ़ती है, उसके बाद अन्य लोग पूजा पाठ करते हैं। राज परिवार के विशाल सिंह कहते हैं कि परिवार की 56वीं पीढ़ी आज भी अपनी परंपरा को निभा रही है। वहीं मंदिर से दर्जनों पुजारियों और आसपास के हजारों दुकानदारों का भी रोजगार जुड़ा है। पांडेश्वर महामंदिर पांड्रा धनबाद के निरसा कम चिरकुंडा खंड में स्थित पांड्रा बहुत खूबसूरत स्थान है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह माना जाता है कि 5 पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ भी बिताया था। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी बना हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर का नाम पांडेश्वर महादेव है। इसका निर्माण एक हिंदू राजा ने कराया था। स्थानीय निवासियों ने इस मंदिर के प्रति बहुत ही श्रद्धा और लगन है। वह पूजा करने के लिए यहाँ प्रतिदिन जाते हैं। चारक खुर्द अपने गर्म पानी के झरनों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। यह झरने पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। पर्यटकों को इन झरनों की सैर करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर इन झरनों के पास पिकनिक मनाना उन्हें ताजगी से भर देता है। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।